खबर ये है कि 50 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांटे की टक्कर बनी हुई है, यानी जो मार्जिन जो है जीत का, वोटों का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। ऐसी 30 सीटें हैं जहां पर सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर बनी हुई है, 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और जेडीएस आमने सामने है, और 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर जेडीएस और कांग्रेस आमने सामने है, यानी कुछ भी हो सकता है। ये जो तस्वीर है ये उलट भी सकती है, बहुत मेजर उल्टेगी नहीं, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि कांग्रेस के लिए उस तरीके की जीत ना हो पाए जैसा कि कांग्रेस सपना देख रही है। बीजेपी की स्थिति में ना कुछ नफा ना कुछ नुकसान, क्योंकि 79 सीटें हैं, ना तो बहुमत के आंकड़े के वो नजदीक है, तो इसलिए मुझे बीजेपी के साथ कोई वो नहीं है। आपको बता दें सोना जी, इतने डिस्कशन हो रहे हैं कि क्या बीजेपी, संगीत राघव जी ने बताया कि भाई 103 से नीचे, यदि 113 से नीचे कांग्रेस रही तो बीजेपी के लिए संभावना है। बीजेपी उसी स्थिति में मुझे लगता है कि सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेगी जब उसको 85 के आंकड़े कम से कम आएंगे। यदि 85 से नीचे रहेगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए सरकार बनाना पड़ेगा। सीधा गणित है, अगर मैं सिर्फ रुझानों को ही जोड़ लूं तो 78 और 25 जो है वो 105-106 पे जाके अटक जा रहा है आंकड़ा, और 80 और 90, 100, 105, 106 के करीब 104-105 रह रहा है, और कांग्रेस के पास 115 है। अदर्स को भी अगर आप जोड़ लीजिए 105-106 में तो भी 112 ही हो पा रहा है। तो अभी इस स्थिति में मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि अगर 85 बीजेपी की आती है, कांग्रेस कांग्रेस के लोग कई बार स्वाभाविक तौर पर अपनी सीट जीती हुई रिजाइन करते हैं, ये आप इसकी संभावना पर कभी गौर नहीं किया? नहीं, हो सकता है, मैं ये आप यहाँ पर हर चीज का विश्लेषण चल रहा है, हो सकता है कि आज संगीत रागी जो दावा पेश कर रहे हैं वो सच हो जाए और संगीत रागी ऐसे ही और चैनलों पर चमके।